गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक एपिकल्चर। ये एमएससी फोर सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है, इंसेक्ट बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, पेपर थर्ड, यूनिट फोर्थ। और मैं कल्पना मंडावी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट काकतीय पीजी कॉलेज जगदलपुर से। हम इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। एपिकल्चर, एपिकल्चर जिसे हिंदी में मधुमक्खी पालन कहा जाता है, एपिकल्चर मीन्स दी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों का वैज्ञानिक विधि से पालन किया जाता है और इससे हमें शहद के साथ साथ में बी वैक्स और बी वेनम भी मिलता है। कार्ल वॉन फ्रिज ने फर्स्ट टाइम हनी बी की लैंग्वेज के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो वर्कर हनी बी होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इनके कम्युनिकेशन के दो डांस होते हैं, एक होता है वेगल डांस और दूसरा होता है राउंड डांस। इनकी इस डिस्कवरी के लिए कार्ल वॉन फ्रिज को नोबल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था और ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कार्ल वॉन फ्रिज से रिलेटेड। मॉडर्न मेथड ऑफ बी कीपिंग एल लैंगस्ट्रॉट ने फर्स्ट टाइम बताया था। हैबिट एंड हैबिटाट, हनी बी सोशल इंसेक्ट होती हैं, इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है और जो वर्कर भी होती हैं ये आपस में राउंड डांस और वेगल डांस से कम्युनिकेट करती हैं। सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट मींस कि ये अपनी एक कॉलोनी बनाती हैं और इनमें काम का विभाजन होता है। जैसे क्वीन और जो ड्रोन होते हैं वो मैटिंग में भाग लेते हैं, क्वीन का काम है छत्ते में एग लेइंग करना और वर्कर बी के काम होते हैं जैसे फूड मटेरियल कलेक्ट करना और जो लार्वी हैं उनका फीडिंग करवाना। तो इस प्रकार से इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी देखने मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमनोप्टेरा, फैमिली एपिडे, जीनस एपिस। टाइप्स ऑफ हनी बी, फाइव इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं हनी बी की। फर्स्ट वन है एपिस डॉर्सेटा, सेकेंड है इंडियन हाइव बी एपिस इंडिका, थर्ड है एपिस फ्लोरिया, फोर्थ है यूरोपियन बी या जिसे हम इंडियन बी भी बोलते हैं और एपिस मेलिफेरा, फिफ्थ वन है डैमर बी या स्टिंगलेस बी। डैमर बी में स्टिंग नहीं पाए जाते हैं और जो स्टिंग एपरेटस है ये मधुमक्खियों के एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है। हनी बी के जो स्पीसीज़ हैं ये अपने जो कॉम बनाते हैं, छत्ते बनाती हैं, इनमें से अलग अलग मैंने बताया। फर्स्ट वन जैसे रॉक बी है, लिटिल बी है, ये किस प्रकार से अपने छत्तों का निर्माण करती है इसके बारे में स्लाइड में आपको बताया गया है। तो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे, सबसे पहले रॉक बी एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा दे आर दी गेंट बी फाउंड ऑल ओवर दी इंडिया, पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। ये साइज़ में सबसे बड़ी होती हैं और इनसे 36 केजी हनी प्रोडक्शन पर ईयर पर हाइव मिलता है, यानी प्रत्येक वर्ष 36 केजी के आसपास 36 केजी जो शहद है वो इनके एक छत्ते से एवरेज प्राप्त किया जाता है। परंतु इन जो ये जो मधुमक्खी एपिस डॉर्सेटा है इनको एपिकल्चर में इनका पालन नहीं किया जाता है। कृत्रिम जो मॉडर्न मेथड है उनका इनका पालन कठिन होता है क्योंकि ये वाइल्ड बी भी होती हैं। नेक्स्ट वन है एपिस सेरेना इंडिका, ये डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है, इसका हम आर्टिफिशियल जो मेथड होता है मॉडर्न मेथड बी कीपिंग इसमें इनका पालन किया जाता है। ये जो अपने छत्तों का निर्माण करती हैं ये अपने छत्ते पास पास में पैरेलली बनाती हैं और इनके एक छत्ते से 6 से 8 किलो शहद पर छत्ते से पर ईयर प्राप्त किया जाता है। यूरोपियन बी, इटालियन बी जिसे एपिस मेलिफेरा भी कहा जाता है, ये इंडियन बी के जैसी ही होती हैं और ये जो बी हैं ये सबसे बड़ी जो मधुमक्खियों में होती है वो एपिस डॉर्सेटा और एपिस डॉर्सेटा के बाद में आती हैं एपिस मेलिफेरा साइज़ में और उसके बाद आती हैं साइज़ में एपिस इंडिका। इनसे जो एपिस मेलिफेरा है इनसे जो एवरेज प्रोडक्शन होता है शहद का वो है 25 to 40 केजी हनी पर ईयर पर कॉम। एपिस मेलिफेरा
स्पीसीज़ जो है ये यूरोपियन भी है, और इन्हें यूरोप से भारत में लाया गया था, और इसके बाद ये भारत के क्लाइमेट में भी सूटेबल है। दे आर लेस प्रोन टू स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग, इसके कारण ही इन्हें अधिक मात्रा में बी कीपिंग में, इनका एपिकल्चर में यूज़ किया जाता है इस स्पीसीज़ का। इसके बाद है लिटिल बी एपिस फ्लोरिया, ये साइज़ में सबसे छोटी होती हैं और ये वर्टिकल सिंगल अपना वर्टिकल कॉम्ब बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं। जनरली छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस होती हैं, इनके पास बनाती हैं ये अपना। और इसके साथ में इनसे जो शहद की मात्रा है वो भी बहुत कम प्राप्त होती है, लगभग आधा किलो शहद पर ईयर पर हाइव। कॉलोनी ऑफ हनी बी, मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है और मनुष्य के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट भी है। बेनिफिशियल इंसेक्ट है, और इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें क्वीन होती है, वर्कर होते हैं और ड्रोन होते हैं। क्वीन और वर्कर, रानी मधुमक्खी और जो वर्कर हैं, इनका डेवलपमेंट फर्टिलाइज एग से होता है, जबकि जो ड्रोन होते हैं, मेल होते हैं ये फर्टाइल मेल होते हैं, और इनका डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ड्रोन का डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, और इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। मधुमक्खी की लाइफ साइकिल में देखेंगे आप, क्वीन और मेल ड्रोन की मेटिंग के बाद में जो क्वीन रहती है वो कॉम्ब में, छत्ते में आने के बाद में एग लेने की प्रोसेस स्टार्ट करती है, और जो मधुमक्खी है ये अपने छत्ते के हर एक एक जो कोस्ट होता है, हर जो एक एक सेल होती है, ये हेक्सागोनल शेप की होती है, और इसमें ये अपना एक एक एग को ले करती है, और इन अंडों से लार्वी निकलते हैं, और इन लार्वी का जो फीडिंग करवाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्कर्स की होती है। वर्कर्स इन लार्वी को फीड करवाते हैं। जो लार्वी एक समय के बाद में कौन सा लार्वा क्वीन में डेवलप करेगा, ये डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी कैसी क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी में फूड मटेरियल दिया जा रहा है। द लार्वी विच बिकम द क्वीन इज फीड द रॉयल जेली, अ सिक्रीशन ऑफ हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड ऑफ द वर्कर बी। वर्कर बी के द्वारा रॉयल जेली का सिक्रीशन किया जाता है, और ये जो सिक्रीशन है ये हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। क्वीन, एक जो छत्ता होता है उसमें एक रानी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, ये साइज में सबसे बड़ी होती है, और जो रानी मधुमक्खी है उसका मुख्य कार्य होता है एग लेइंग करना, एग लेइंग करना। और जो लार्वा, वह लार्वा जो क्वीन आगे चल के बनेगा, उसका फीडिंग में, उसको फीडिंग में रॉयल जेली दिया जाता है। ड्रोन, ड्रोन आर दी मेल बीज, जो ड्रोन होते हैं वो मेल बीज होते हैं। इनमें ये जो होते हैं, इनका डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज एग से पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। इनमें स्टिंग एपरेटस नहीं पाए जाते हैं। प्रोबोसिस, स्टिंग एपरेटस जो कि एब्डोमेन की लास्ट में पाया जाता है, और इसी से स्टिंग एपरेटस पाया जाता है, जैसे जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसका एब्डोमेन में पीछे के हिस्से में स्टिंग एपरेटस रहता है। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस जो है वो माउथ पार्ट में रहता है, और ये प्रोबोसिस ड्रोन में एब्सेंट रहता है, और प्रोबोसिस जो है वो वर्कर बी में नेक्टर कलेक्शन के लिए काम आता है। ड्रोन जो है वो, उसका मुख्य कार्य होता है मेटिंग सीजन में क्वीन के साथ में मेटिंग करना, नॉपटियल फ्लाइट के दौरान। जब रानी मधुमक्खी और ड्रोन छत्ते के बाहर जाते हैं तो उस फ्लाइट को नॉपटियल फ्लाइट कहा जाता है मेटिंग के लिए। ड्रोन मेटिंग के बाद में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो उसका एब्डोमिनल जो पोर्शन रहता है वो बस्ट यानी कि फट जाता है, और उसके बाद में मेल जेनाइटल ऑर्गन मेटिंग की प्रोसेस में आगे काम करते हैं। वर्कर, वर्कर जो बी होती हैं वो साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। वर्कर बी स्टेराइल फीमेल होती हैं जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, और इनका जो मुख्य काम होता है वह, इनके जो मुख्य काम होते हैं, बहुत सारे काम हैं इनके छत्ते में। इसके अलावा जो वर्कर बी होती हैं उनमें वैक्स ग्लैंड पाई जाती है जो कि एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है, और इससे वैक्स का सिक्रीशन होता है। यह जो वैक्स होता है इसी से आगे चल के छत्ते का निर्माण किया जाता है। वर्कर भी यंग लार्वी का फीडिंग करवाती हैं, उन्हें फीड करवाती हैं, उन्हें भोजन देने का काम। इसके अलावा जो ओल्डर जो लार्वी रहते हैं उनका भी फीडिंग करवाती हैं।
रानी मधुमक्खी की देखरेख करना, फीडिंग करवाना, ड्रोन मधुमक्खी का फीडिंग करवाना, ये सभी जो काम है वो वर्कर बी के होते हैं। छत्ते की सफाई करना, प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना और जो शहद है उसका इवोपरेशन करना, ये सभी जो प्रोसेस हैं ये वर्कर बी के द्वारा किए जाते हैं। वर्कर बी के माउथ में प्रोबोसिस पाया जाता है। इस प्रोबोसिस के द्वारा वर्कर बी फूलों से, फूल जो होते हैं फ्लावर से, नेक्टर का, सैप का कलेक्शन करते हैं। और वर्कर बी की बॉडी में हाइंड लेग, जो लास्ट वाला जो लेग रहता है, उसमें पोलन बास्केट पाई जाती है। इस पोलन बास्केट में ये पोलन ग्रेन्स का कलेक्शन भी करते हैं। जो नेक्टर रहता है इसकी, इसका जो हनी में बनने का प्रोसेस है ये बताते हैं हम। सबसे पहले जो मधुमक्खियां हैं वो नेक्टर को प्रोबोसिस के माध्यम से लेती हैं, उसके बाद में वर्कर बी इनका जो नेक्टर है इसका स्टोमक में, वर्कर बी के स्टोमक में बार बार डाइजेशन होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया के बाद में ये जो वर्कर बी हैं उसे जब ये हनी का रूप ले लेता है तब इसे ये अपने माउथ से बाहर निकालती हैं। माउथ से बाहर निकालने की प्रक्रिया को रीगर्गिटेशन कहा जाता है, जैसे कि बी हनी वॉमिटिंग भी कहा जाता है, हनी वॉमिटिंग भी कहा जाता है रीगर्गिटेशन। इसके बाद इसे जो कॉम्ब रहते हैं उसमें स्टोर कर देते हैं और उसके बाद में इसे, इसमें से पानी को, अधिक मात्रा में जो पानी रहता है उसको इवोपरेट किया जाता है और उसके बाद में ये शहद तैयार होता है। मधुमक्खी पालन के जो मेथड हैं वो दो मेथड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है ओल्ड मेथड और सेकंड वन है मॉडर्न मेथड। ओल्ड मेथड में आपको पता होगा कि जैसे पुराने समय से ही मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों से शहद लिया जाता था, तो उसमें एक मेथड है जैसे कि पेड़ों में या बड़ी जो बिल्डिंग्स रहती हैं उसमें जो मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं उन छत्तों में जनरली धुआं करके मधुमक्खियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद उन छत्तों को तोड़ के उसमें से शहद को हम इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसका कमर्शियली बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है। मॉडर्न मेथड जो है उसमें मूवेबल आर्टिफिशियल हाइस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो छत्ते हैं, छत्ते बोलना चाहिए, आर्टिफिशियल जो बॉक्स रहते हैं वुडन बॉक्स, उनका उपयोग किया जाता है। और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह भी हम इसे ले जा सकते हैं। इसका फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी किया था वो लॉन्ग स्ट्रॉट ने 1951 में किया था। इसमें नीचे में एक बॉटम में स्टैंड रहता है लकड़ी का, उसके ऊपर में फ्रेम्स पाई जाती हैं लकड़ी की, उसमें ब्रूड चैम्बर्स होते हैं और ऊपर में आप देखेंगे सुपर होते हैं, हनी सुपर होता है, उसके ऊपर में रूफ कवर रहता है। ब्रूड चैम्बर में रानी मधुमक्खी रहती है और जो इसका जो सुपर वाला जो चैम्बर है वहाँ पर शहद कलेक्ट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि दी हाइव कंसिस्ट अप ऑफ फ्लोर बोर्ड, बॉटम स्टैंड, ग्राउंड बोर्ड और जितने भी फ्रेम्स रहते हैं वो सभी वर्टिकली अरेंज रहते हैं। उन वर्टिकली जो फ्रेम्स रहते हैं उनमें जो वर्कर बी है, बी कॉम छत्ते का निर्माण करती हैं। बी प्रोडक्ट, मधुमक्खियों से दो मेन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन है हनी शहद और सेकेंड होता है बी वैक्स। हनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर, एपिकल्चर का बहुत मुख्य प्रोडक्ट है। और जो शहद है उसे मधुमक्खी स्वयं के भोजन के लिए, इसके साथ ही साथ में लार्वी को फीड करने के लिए बनाती है, पर हम ह्यूमन बीइंग उसे एपिकल्चर में यूज़ करते हैं। कंपोजिशन ऑफ हनी बी का देखेंगे तो वाटर पाया जाता है और शुगर के रूप में फ्रुक्टोस और ग्लूकोस मिलता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। और हनी का, शहद का आयुर्वेदा में भी बहुत सारी मेडिसिन्स में इसका वाइडली उपयोग किया जाता है। बी वेनम, बी वैक्स और शहद के अलावा बी वेनम भी हनी बी से प्राप्त किया जाता है। हनी बी में पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती हैं जिससे कि बी वेनम एक्सक्रेट किया जाता है और इसका भी यूज़ किया जाता है, बहुत कुछ मेडिसिन्स में इसका भी यूज़ किया जाता है। बी वैक्स जो है वैक्स ग्लैंड से मिलता है हमें बी वैक्स, और ये जो वैक्स ग्लैंड है वो केवल और केवल वर्कर बी की बॉडी में पाया जाता है, वर्कर बी के एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है और अंडर साइड ऑफ द लास्ट फोर एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ वर्कर बी में वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। ये जो वैक्स है इससे मधुमक्खी अपने छत्ते का, कॉम का निर्माण करती है और इससे कुछ कैंडल्स भी बनाई जाती हैं, ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट,
बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बी वैक्स से बनाए जाते हैं। माइक्रोटॉमी में इसका यूज़ किया जाता है, बी वैक्स का वार्निश पेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट, मॉडर्न मेथड में, मॉडर्न बी कीपिंग मेथड में इक्विपमेंट का भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसे कमर्शियली कर रहे हैं। फर्स्ट वन है कॉम फाउंडेशन मिल, छत्ते का निर्माण करने के लिए रहती है, मशीन्स रहती हैं, स्मोकर होता है जिससे कि धुआं किया जाता है और मधुमक्खियों को उस क्षेत्र से हटाया जाता है जब हम उस बॉक्स में कम्प्लीटली शहद बन जाता है तब। बी विल होता है, शहद निकालते समय अपनी सुरक्षा के लिए इसे पहना जाता है। अनकैपिंग नाइफ, कुछ बड़े चाकू होते हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है फ्रेम से हटाने के लिए, अनकैपिंग के लिए। हनी एक्सट्रैक्टर, मशीन्स होती हैं जिससे कि शहद को निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ बी, बी को हमने देखा मधुमक्खी को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि उससे हमें शहद मिलता है, बी वैक्स मिलता है, बी वेनम भी मिल रहा है। इसके अलावा मेन मुख्य जो मधुमक्खियां हैं वो पॉलिनेटर के रूप में भी कार्य करती हैं, परागरण, पुष्पों का परागरण करती हैं, उसके बाद ही हमें एक अच्छी क्रॉप मिलती है। इसलिए मधुमक्खियों को, मधुमक्खियों का फूड सिक्योरिटी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ में ये बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन करती हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है और 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाने के पीछे कारण है एंटोन जेंसा, जिन्होंने कि मॉडर्न बी कीपिंग टेक्निक में बहुत बड़ा जिनका योगदान रहा है। और जो एपिकल्चर है आज की डेट में ये लघु उद्योग का रूप ले चुका है और इसमें बहुत सारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जो मधुमक्खी पालन है वो आज की डेट में युवाओं के लिए एक अच्छा रोज़गार का साधन भी बन चुका है और भारत सरकार के द्वारा नेशनल बी बोर्ड भी स्थापित है। तो थैंक यू दोस्तों।